शामली पुलिस पर रिश्वतखोरी का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान शहर के एक निजी स्कूल की बस को कागज पूरे न होने के कारण सीज कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित गाड़ी चालक गाड़ी छोड़ने के लिए गया तो थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों ने चालक से रिश्वत की मांग की। मैं चलान हो रहा था हमारी, उसका पूरी करता है हम, वो गोल्ड स्कूल की है। अच्छा, तो हम यहाँ आए, मुंशी बोला हमारे से लाओ खर्चा पानी दरोगा का। अच्छा, हम फिर दरोगा से मिले, दरोगा ने कहा मुंशी से मिल लो बगा जी, वो तो खर्चा पानी मांगा है। फिर ये बाढ़ने चले गए, हम दोबारा गए लाओ खर्चा पानी दे दरोगा का। अच्छा, उधर मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में सीओ सिटी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर युवक का आरोप सही है तो क्या रिश्वत मांगने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।